जिला ऊना के गगरेट के होशियारपुर मार्ग पर सुबह सवेरे बड़ा हादसा हुआ है, जब एक बेकाबू ट्रक दो स्कूली छात्राओं को रौंदते हुए स्कूल परिसर में जाकर पलट गया। गनीमत ये रही कि कोविड-19 के चलते प्रार्थना सभा पर लगी रोक के चलते कोई भी छात्र उस वक्त कैंपस में नहीं था, अन्यथा ये हादसा और भी भयावह हो सकता था। हादसे में घायल दोनों स्कूली छात्राओं को नाजुक हालत में फौरन उपचार के लिए स्वास्थ्य संस्थान में ले जाया गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि राजस्थान का ये ट्रक किसी स्थानीय कारोबारी की टाइल्स लेकर आ रहा था। वहीं कस्बा गगरेट में पहुंचते ये हादसे का शिकार होकर स्कूल मैदान में जा घुसा। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में भी कैद हो गया। गगरेट कस्बे में वीरवार सुबह मौत सड़क पर इस कदर सरपट दौड़ी की स्कूल जा रही दो छात्राओं को मौत झपट मारते हुए निकल गई। होशियारपुर की ओर से फ्लोर टाइल को लेकर आ रहा एक ट्रक बेकाबू होकर इस कदर दौड़ा की स्कूल जा रही दो छात्राओं को रौंदता हुआ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल गगरेट स्कूल के ग्राउंड में पलट गया। गनीमत ये रही कि कोरोना काल में प्रार्थना सभा पर लगी रोक के ग्राउंड में विद्यार्थी नहीं थे, अन्यथा बड़ा और भयावह हादसा हो सकता था। ट्रक पलटने की जो सूचना है वो हमें करीब 8:40-8:45 पे थाने में प्राप्त हुई, जिस पर टीम जांच के लिए भेजी गई है। और ट्रक पलटने के कारण दो बच्चियों घायल हुई हैं, जिनको की हॉस्पिटल में रेफर किया है। बाकी जान माल का कोई नुकसान नहीं है। आगे क्या कार्रवाई? आगे जो भी अगर तो जो ड्राइवर है उसकी गलती के कारण ये हुआ है तो मामला दर्ज किया जाएगा। इस हादसे में घायल दोनों स्कूली छात्राओं को सिविल अस्पताल गगरेट में प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाने के बाद उनकी अति नाजुक स्थिति को देखते हुए उनके परिजन उन्हें फौरन पंजाब के होशियारपुर लेके गए हैं। स्कूल के समीप हुए इस पॉइंट पर लगातार हादसे होने से जहां एक तरफ स्कूली छात्र छात्राओं के अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है, वहीं आसपास के कारोबारियों में भी काफी खौफ देखा जा रहा है। कई वाहन यहां दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर चुके हैं, जबकि एक दो मंजिला दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई है। लेकिन इस एक्सीडेंट पॉइंट का कोई समाधान तक निकल नहीं सका। विधायक राजेश ठाकुर भी घटना की जानकारी मिलते घटनास्थल पर पहुंचे और छात्राओं को उपलब्ध करवाए जा रहे उपचार की जानकारी हासिल की। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परवीन धीमान का कहना है कि पुलिस ने घटना के संबंध में मामले की जांच को आगे बढ़ा दिया है।